मजा अरिजीत के लिए, अरिजीत के लिए वेलकम आइए। पारी, बॉलीवुड में तकरीबन 50-60 फिल्में रिलीज होती हैं जिनमें से मैक्सिमम गाने अरिजीत गाते हैं, तो अरिजीत यही कारण है कभी शेव वेव करने का टाइम नहीं लगता। हालांकि अरिजीत आज पूरी ट्रिमिंग वेयर करके आया। ओह गॉड, सीरियसली कि वैसे ही नहीं? नहीं, ये यार क्यों शेव किया मैंने? सीक्रेट है एक्चुअली, तो बोल ही देता हूँ आज। मैं यहाँ पे बॉम्बे में कभी शेव नहीं करता हूँ। अच्छा जी, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ना शेव करने के भी बहुत पैसे लगते हैं। अजय अरिजीत का ये सॉन्ग क्योंकि तुम ही हो 2013 का मेरे ख्याल से ब्लास्ट हिट सॉन्ग था, 10 बार इस नॉमिनेट हुआ अवार्ड्स के लिए और उसमें से 9 अवार्ड इनको मिले और लास्ट ईयर इनको फिल्म फेयर भी मिला सूरज डुबा के लिए, और अब तक ये तकरीबन मेरे ख्याल 23 अवार्ड ले चुके हैं हम अरिजीत। तो ये बेसिकली एक आध अवार्ड और बचा फिर इनकी सिल्वर जुबली हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी सोचा था सिल्वर जुबली से पहले आपको हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? मौका मिल गया आपको? मौका तो हमें मिला, बड़ी मुश्किल से पकड़ा इनको। ओह गॉड, हाँ बहुत मुश्किल से एक्चुअली, मना नहीं कर पाया मैं मुंह पे, रिस्पेक्ट करता हूँ। पर हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि हम तो ढीठ हैं। हाँ मालूम है। हमें पता था एक ना एक दिन तो अरिजीत को लाना ही अपने शो पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके फैंस यहाँ पे। भाई अरिजीत ने एक टेलीविजन शो से शुरुआत करी थी, हालांकि इस शो में ये विनर नहीं थे, लेकिन जिनको म्यूजिक की बड़ी अच्छी समझ है वो उन लोगों को पता चल गया था कि एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार तैयार हो रहा है। अरिजीत, सबसे पहला ब्रेक आपको किसने दिया था बॉलीवुड में? बॉलीवुड में शंकर एहसान लॉय। ओके, इट वाज फॉर अ एक हिंदी वर्जन था, हाई स्कूल म्यूजिकल जो सीरीज फिल्म है हॉलीवुड का, उसका हिंदी वर्जन एक था। मैंने गाया था, राजा हसन ने गाया जी, तरन्नम ने गाया था, सो शिल्पा ने गाया था, तो एक ऐसा एक गाना था जो पहला गाना था। ओके, एंड देन मिथुन के मी द सॉन्ग जी, ये मर्डर 2 का गाना था, फिर मोहब्बत जी, दैट वाज द सेकंड। बाद तो आपने लड़ी लगा दी एक पे एक हिट के बाद, फिर हो गया वैसे। चलिए, बहुत बड़ी बात है और हमें बहुत प्राउड है आपसे। पाजी, अरिजीत के पापा पंजाबी हैं, मम्मी बंगाली हैं, तो जाहिर सी बात है लव मैरिज हुई होगी जी। यही रीजन है कि रोमांटिक गाने बड़े अच्छे हैं ना? लोग इनको आज का, लोग इनको आज का किशोर कुमार मानते हैं। क्यों भाई, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? अच्छा, ये नहीं नहीं ऐसी ऐसी बातें आप मत करिए, वो बाहर फिर कुछ ना कुछ लिख देंगे इसको लेके। चलो ऐसी बातें नहीं करते, ऐसी बातें नहीं करते, कुछ शायरी वाली करते हैं। हाय हाय प्लीज, यहां कोई मोहब्बत में है या फिर मोहब्बत का मारा है, इसके गीत हर दीवाने दिल का सहारा है कि नहीं? वाह, यूं होता है जादू आपके रोमांटिक गानों का, शादी शुदा बंदा भी अपना गम भूल के खुद को समझता कुंवारा है। क्या बात है, कहां से निकाल के शेर मारा है। अरिजीत को ना बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं। नहीं नहीं, पंजाबी बंगाली इंग्लिश भी नहीं आती? आती मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा, पर एक कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आदमी कोई पत्नी को डरा सके? आई मीन ये मेरा सवाल नहीं है, ये यहाँ पे बैठे बहुत पंजाबी से बढ़िया कोई लैंग्वेज ही नहीं है, पत्नी से डराने वाली बात है? पत्नी से डरने हो गया ना, अगर पत्नी भी पंजाबी हो तो आप ही कस, तो फिर पूंछ नीचे दबा भाग लो। पर मैं एक्चुअली आपको बता देता हूँ, ये शादीशुदा लोगों का मैंने आपको बोला कि सवाल था, डायरेक्टली बता देता हूँ, ये सवाल सिद्धू बाजी का था। हमने आपके आसपास इसीलिए कोई चीज रखी नहीं है, पर इनका कोई भरोसा नहीं, कोई लड़की उठा के फेंक दे बेटा। वो बड़ी बहुमूल्य संपदा है, वो नहीं फेंकी जाएगी, लो फ्लो में कभी नहीं पता चलता। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.